पिताजी जल्दी चलिए, वरना मैं आज स्कूल में देरी से पहुंचूंगा। मेरी टीचर बहुत गुस्सा करती है। हाँ हाँ बेटा, अभी चलते हैं, बस 2 मिनट रुको। तभी रमेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और रमेश से कहती है, सुनिए जी, आज शाम को आप ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाइएगा। याद है ना, आज आपको मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाना है। अरे भाग्यवान, इस महीने हाथ जरा तंग है। मेरी मानो तो शॉपिंग का विचार कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से निकाल ही दो। मैं तुम्हें अगले महीने पक्का शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। अभी मुझे चलना चाहिए, वरना राजू को स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। देखिए जी, अब आपके ये बहाने पुराने हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आज शाम को मुझे शॉपिंग करने जाना है, मतलब जाना है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब तुम पूरा घर सर पर मत उठाओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर रमेश अपने बेटे राजू को लेकर वहां से चला जाता है। घर से निकलने के लिए रमेश जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल शुरू करता है, तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है, अरे रमेश, आज शाम को मुझे कुछ पैसे दे देना। याद है ना, मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है। अरे माँ, मेरी तनख्वाह आने में अभी 10 दिन बचे हैं, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ, मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रमेश की माँ चिढ़कर कहती हैं, अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तेरे भरोसे मंदिर के पुजारी जी से वादा कर दिया है और तू कह रहा है कि पैसे नहीं है। अब मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी? तुझे तो मेरी इज्जत की भी कुछ परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। फिर दोपहर को जब रमेश अपने दफ्तर में बैठा होता है, तब उसे अपनी पत्नी और माँ की बातें याद आती हैं। रमेश अपने दफ्तर के एक साथी मोहन से कुछ रुपए उधार मांगता है। अरे भाई मोहन, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मुझे कुछ दिनों के लिए क्या तुम रुपए उधार दे सकते हो? अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त पर पैसे लौटा देना। वैसे भी मेरा मानना है कि दोस्ती यारी में कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारा रिश्ता खराब हो। अरे मोहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। फिर मोहन रमेश को पैसे दे देता है। शाम को घर आकर रमेश कुछ पैसे अपनी माँ को देता है और साथ ही अपनी पत्नी को भी शॉपिंग कराने बाजार लेकर जाता है। रमेश की पत्नी और उसकी माँ का स्वभाव जरूरत से ज्यादा खर्चीला होने के कारण दोनों हमेशा बेवजह पैसे खर्च करती हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, अगले हफ्ते हमने छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था, आपने पैसों का इंतजाम कर लिया ना? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हम कभी और चले जाएंगे। देखिए जी, मैंने सभी सहेलियों से कह दिया है कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, अगर मैं नहीं गई तो सब मुझ पर हंसेंगी। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए जी। इतना कहकर रमेश की पत्नी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की माँ भी तीर्थ यात्रा जाने की जिद करती है और रमेश से पैसे मांगती है। फिर अगले दिन रमेश एक सेठ से पैसे उधार लेकर अपनी पत्नी और बेटे को घुमाने ले जाता है और अपनी माँ को भी तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। लेकिन जैसे ही रमेश अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आता है, कर्जदार उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ज्यादा कर्ज एक साथ अपने ऊपर देख रमेश काफी परेशान रहने लगता है। फिर एक दिन राजू की स्कूल की फीस वक्त पर न भर पाने के कारण रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल साहब रमेश को सख्त हिदायत देते हैं कि अगर वक्त पर स्कूल की फीस नहीं भरी गई तो उनके बेटे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अपने बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए रमेश अपने दोस्त गिरधारी से कुछ पैसे उधार ले लेता है और स्कूल की फीस भर देता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी खर्चे और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते धीरे धीरे रमेश पूरी तरह कर्ज में डूब जाता है। और तभी एक दिन दफ्तर में काम करते समय रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है।
और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसे जल्दी से पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रमेश के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं, देखिए देर रात तक जागने और जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। बेहतर यही होगा कि इन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने दिया जाए। रमेश की हालत देखकर उसके बेटे राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दादी और माँ से कहता है, माँ दादी मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मैं इतना समझता हूँ कि पिताजी दिन रात दफ्तर में काम करके पैसे कमाते हैं। पिताजी अकेला पूरा घर संभालते हैं और आप दोनों अपने फिजूल के खर्चों के लिए उन पर दबाव डालते रहते हैं। आज पिताजी की हालत के जिम्मेदार तो आप दोनों हैं। राजू की समझदारी भरी बातें सुनकर रमेश की माँ और पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रमेश की तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है और वो पहले की तरह अपने काम पर जाने लगता है। रमेश की माँ और पत्नी अब उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते और ना ही उससे किसी चीज की मांग करते हैं। फिर देखते ही देखते रमेश अपने कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। उसकी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी